ऑलराइट दोस्तों, माइनक्राफ्ट के अंदर सामान आप लोग कुछ इस टाइप से ड्रॉप करते होंगे, बट रुको, आज की वीडियो में आपको ये बताना पड़ेगा कि कैसे आप लोग माइनक्राफ्ट के अंदर कुछ इस टाइप से आप लोग आइटम ड्रॉप कर सकते हो, लाइक जावा एडिशन की तरह। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको देने वाला हूँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर क्यू बटन। जी हाँ, क्यू बटन क्या है? देखो, क्यू बटन मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। क्यू बटन है यहाँ पे जावा एडिशन के अंदर, अगर लोग कीबोर्ड के अंदर क्यू बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ वन बाई वन आइटम कुछ इस तरीके से ड्रॉप होता है। बिकॉज ये मैं आज माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में करने वाला हूँ, मतलब देने वाला आप लोगों को क्यू बटन और ये मोबाइल पे वर्क करने वाला है। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले गाइस, आज की वीडियो को लाइक है मैं 1000 लाइक, देखते गाइस 1000 लाइक कंप्लीट हो पाता है कि नहीं। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो लेट गो। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं आ चुका मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो की मैपर करके एक एप्लीकेशन है, इसका आपको जरूरत होगा। बाकी आप लोग पिन कमेंट को जरूर से चेकआउट कर लेना, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद यहाँ पे देखो एरो का बटन है, तो आपको फटाफट यहाँ पे स्वाइप कर लेना है। फिर कुछ ऐसा आएगा आइकन, तो इसके यहाँ पे देख सकते हो ऊपर दो एरर शो होगा। तो सबसे पहला वाला एरर के ऊपर सबसे पहले फिक्स करते हैं, तो फिक्स के ऊपर क्लिक करना, फिर एनेबल के ऊपर क्लिक करना। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्सेसिबिलिटी के अंदर आ जाओगे, फिर की मैपर करके यहाँ पे ऑफ है, तो की मैपर को यहाँ पे क्लिक करके यूज की मैपर यहाँ पे अलाउ करके इसको ऑन कर देना है। ठीक है, तो गाइस ये कोई एरर नहीं है। यहाँ पे देखो सेकंड वाला फिक्स है, तो इसके अंदर फिक्स के ऊपर क्लिक करके वापस से अलाउ कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते भी बम्प हो रहा है, तो जितने भी एरर है वो हम लोगों ने फिक्स कर दिया। और गाइस ये एरर नहीं, ये एक्सेस है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एक ऐड का बटन है, इसके अंदर आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे रिकॉर्ड ट्रिगर का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप लोग अपना मोबाइल के हिसाब से कोई भी एक बटन को चूज कर लेना। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन को चूज कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे एक टाइमर ऑन हो जाएगा, तो इस टाइम के अंदर आपको एक बार वॉल्यूम डाउन बटन को क्लिक कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम डाउन बटन हमारे यहाँ पे आ चुका है, और ऊपर एक एरर भी आ चुका है। फिर आपको ऊपर एक्सेंट के अंदर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे देख सकते हो एड एक्सेंट यहाँ पे आ जाओगे। फिर ऊपर आएगा इनपुट की कोड, तो इसके अंदर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको देखो नीचे सर्च का ऑप्शन है, तो इस सर्च के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च कर देना क्यू, और सबसे ऊपर आ जाएगा 45 के यहाँ पे देखो क्यू कोड, कीबोर्ड कोड क्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके अंदर आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे देखो की मैपर जीयूआई, तो इसके अंदर क्लिक करके इसको पॉपअप को क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो फाइनल हमारा क्यू कोड ऊपर आ चुका है, बट एक एरर के साथ। चलो अभी ये एरर को भी फिक्स कर देते हैं। तो इसके अंदर आपको देखो ऊपर जो लाल एरर है इसके अंदर क्लिक करना है, और फिक्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो की मैपर कीबोर्ड है इसको गाइस ये ऑफ है, तो इसको यहाँ पे बटन को इसको ऑन कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। जितने भी एक्सेस आएगा उसको ओके कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो नीचे सेव का बटन है, इसके अंदर जैसे दबाओगे फिर आपको दो एरर आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते। अगर आपको आता है तो ऊपर एरर के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्सेस है एक और की मैपर का, तो यहाँ पे की मैपर का एक्सेस दे देना। तो जैसे दोगे नीचे वाला एरर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। तो गाइस फाइनली हमारा जितने भी एक्सेस हम लोग दे दिया है, और फाइनली हमारा वॉल्यूम डाउन बटन अभी बन चुका है क्यू बटन। तो चलो अभी गेम के अंदर फटाफट से चलते हैं। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो वॉल्यूम डाउन बटन है वो अभी क्यू बन चुका है, और प्रॉपरली वर्क भी कर रहा है एकदम लाइक जावा एडिशन पीसी की तरह। बट एक प्रॉब्लम पता है क्या है, अभी ये की मैपर अगर एक्टिव रहेगा तो आप लोग यहाँ पे टाइपिंग नहीं कर सकते हो। तो इस प्रॉब्लम को कैसे छुटकारा पाया जाए, और वॉल्यूम डाउन भी नहीं होगा आपका, वॉल्यूम कम भी नहीं होगा। तो देखो इसका भी फिक्स है। तो देखो अब क्या करना है, ऊपर आपको जाना है, ड्रैग करना है। तो यहाँ पे देखो दो चीज आपका रन होगा। सबसे पहले देखो टॉगल की मैपर कीबोर्ड, तो टॉगल के ऊपर जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको जो की मैपर है वो स्वाइप्ड हो जाएगा अपना पुराने कीबोर्ड के ऊपर। अब देखो आपका जो पुराना मोबाइल का कीबोर्ड है वापस से आ जाएगा, और प्लस इसके अंदर आप लोग वॉल्यूम डाउन भी कर सकते हो, कम ज्यादा भी वॉल्यूम कर सकते हो। बट अगर आपको वापस इसको एक्टिव करना है तो इसके लिए वापस आपको ऊपर से स्वाइप डाउन करना है, फिर यहाँ पे देख सकते हो टॉगल के ऊपर वापस से ऐसे क्लिक कर देना है। ठीक है ना, तो जैसे टॉगल क्लिक करोगे तो हमारा की मैपर वापस से स्वाइप होके एक्टिवेट हो जाएगा, एंड वापस आप लोग क्यू बटन का फायदा उठा सकते हो। बाकी अगर आपका खेलना कंप्लीट हो जाए तो इसको बंद भी करना, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर बंद नहीं करोगे तो आपका वॉल्यूम डाउन बटन और कीबोर्ड काम नहीं करेगा। तो अगर आपका खेलना कंप्लीट हो जाए तो ऊपर से वापस आपको ऐसे ड्रैग करना है। फिर यहाँ पे देख सकते हो रनिंग करके बटन है, इसके अंदर को जाना है। यहाँ पे देखो स्टॉप सर्विस करके एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप लोग स्टॉप सर्विस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको वापस आएगा एक्सेसिबिलिटी सर्विस का, यहाँ पे देखो डिसमिस है, इसको यहाँ पे डिसमिस कर देना, नहीं तो यहाँ पे इसके अंदर ऑफ कर देना है।
तो गाइस इसको ऑफ कर देने के बाद आपका मोबाइल वापस से नॉर्मल बन जाएगा। बाकी अगर आप लोग फिर से की मैपर को एक्टिव करना चाहते हो तो की मैपर को ऑन करना, एक ही एरर आएगा बार बार, उसको आप लोग फिक्स कर देना ऑफ करने के बाद। यहाँ पे देखो एनेबल का ऑप्शन है, एनेबल करो, फिर एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाके यूज की मैपर, यहाँ पे इसको एक्टिव कर दो, बस आपका हो गया, आपका क्यू एक्टिवेट हो गया है, क्यू बटन। तो बार बार आपको करना है क्लोज करने के बाद, ठीक है। फिर आप लोग माइनक्राफ्ट वापस से खेलो, हो जाए तो बंद कर दो, फिर वापस जब माइनक्राफ्ट खेलने का मन करे उसको वहां से एक्टिव करके आ जाना। कुछ ऐसे है गाइस, इसी इस ट्रिक का यूज करके आप लोग बहुत ही खतरनाक वाला माइनक्राफ्ट जावा एडिशन का क्यू बटन को ऐड कर सकते हो अपने पॉकेट एडिशन के अंदर। बाकी आई होप गाइस आपको समझ में आ चुका है ये वाला ट्रिक। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है अप्लाई कैसे करना है तो वापस इस वीडियो को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपका कोई भी माइनक्राफ्ट का प्रॉब्लम है जो कि आप लोगों से फिक्स नहीं हो रहा है, तो आप लोग अगर मेरे से शेयर करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, नहीं तो डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप लोग अपना प्रॉब्लम को मेरे से शेयर कर सकते हो। तो चलो गाइस थैंक यू सो मच अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो। तो चलो गाइस मैं तब से नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।